एपीएसएम कॉलेज में पार्ट थ्री का एडमिशन शुरू हो चुका है, तो किस तरह से आप लोग एडमिशन फॉर्म भरेंगे इस वीडियो में लाइव शेयर करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक की जानकारी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपली इस वेबसाइट पर आना। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका डेट होगा यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है, क्योंकि डेट जो है अपडेट होते रहता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, किस तरह से एडमिशन फॉर्म भरना है उसका वीडियो यहाँ पे है, और ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो है इस तरह से लिखा रहेगा, यहाँ पे फॉर्म लिखा रहेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से ओपन होगा, यहाँ पे आपको गो फॉर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है यूनिक फॉर्म आईडी देना है, फिर आपको एकेडमिक ईयर बोल रहा है तो आप पार्ट थ्री यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे यूनिक फॉर्म आईडी आपको पार्ट टू का इस तरह का एडमिशन फॉर्म मिला होगा, जबकि पार्ट टू में एडमिशन लिए होंगे तो इस तरह से रसीद मिला होगा, उसी रसीद में यहाँ पे फॉर्म आईडी जो लिखा है यही फॉर्म आईडी आपको जो है यहाँ पे भरना है। भरने के बाद यहाँ पे आपको पार्ट थ्री सेलेक्ट करना है, उसके बाद सर्च करना है। तो चलिए ये डिटेल्स हम लाइव आपके सामने पेश करते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमने फॉर्म आईडी भर चुके हैं और यहाँ पे पार्ट थ्री इस तरह से सेलेक्ट किए हैं, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही सर्च करेंगे तो इस तरह से दिख जाएगा। यहाँ पे आपका यूनिक आईडी नंबर और नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी डिटेल्स रहेगा। आपको करना क्या है, क्लिक हियर फॉर एडमिशन वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका फॉर्म खुल जाएगा इस तरह से, जिसमें कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, अच्छे से देख के आपको यहाँ पे भरना है। रोल नंबर भी आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, वो यहाँ पे भर लेना है। फिर यहाँ पे कॉलेज रोल नंबर, ये आपको चेक करना है कि ये जो कॉलेज नंबर दिखा रहा है ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका नाम, फादर नेम, उसके बाद जेंडर कैटेगरी, ये सब पहले से भरा जाएगा। सिर्फ आपको मदर नेम और यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो सिलेक्ट करना है। फिर आप धर्म में हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस करना है, और यहाँ पे आधार नंबर दर्ज कर देना है। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे विकलांग का जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है, अन्यथा आपको नोट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो यहाँ पे एस करके आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा के छूट ले सकते हैं, तो अगर नहीं आते तो यहाँ पे नो इस तरह से रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे इस तरह से भर लेना है। ठीक है, भरने के बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जो भी है इस तरह से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डिटेल्स भर लेना है। भरने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको आप जो भी ऑनर्स पेपर होगा वो यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए पार्ट वन मार्क्स इस तरह से लिखा होगा, तो यहाँ पे आपको भरना क्या है, पार्ट वन में जो ऑनर्स पेपर में कितना नंबर आया वो यहाँ पे भरना है। फिर पार्ट टू में ऑनर्स पेपर में कितना आया वो भरना है। अगर आपको यहाँ पे जो सब्सिडी का डिटेल्स मांगता तो यहाँ पे आपको नीचे में लिखा रहता है सब्सिडी, और उसमें जो भी सब्जेक्ट है वो आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑनर्स पेपर दिखा रहा है, और यहाँ पे पार्ट वन में सिर्फ ऑनर्स पेपर का ही यहाँ पे आपको नंबर दर्ज करना है। तो फाइनली जैसे कि यहाँ पे पार्ट वन में जब रिजल्ट हम चेक किए थे, यहाँ पे ऑनर्स पेपर वन पेपर टू में दोनों मिला के जितना हो रहा था, जैसे 43+58 जितना हो रहा था हम यहाँ पे भर दिए, उसी तरह से आपको यहाँ पे पार्ट टू में देख लेना है इस तरह से रिजल्ट में पेपर 3-4 में कि इतना आया, तो ये दोनों को जोड़ के जितना होता है वो यहाँ पे भर देना है। फिर आपको यहाँ पे पार्ट टू में जब एडमिशन कराए थे तो उसका जो रसीद मिला था उस रसीद को स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पे पार्ट टू का एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हैं या पार्ट टू का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है तो आप यहाँ पे पार्ट टू का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में हमने पार्ट टू का एडमिशन फॉर्म भी अपलोड कर चुके हैं और यहाँ पे जो है पार्ट टू का मार्कशीट भी यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं रिजल्ट चेक करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस तरह से जैसे अपलोड करेंगे इस तरह से दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे टिक रहेगा और यहाँ पे सबमिट बटन देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको सभी जानकारी को ऊपर चेक कर लेना है, एक बार चेक करने के बाद अगर सही होता है उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो एक बार आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि ये सभी डिटेल्स जो आप भरे हैं वो करेक्ट है या नहीं, तो आपको सिर्फ जांच कर लेना है इस तरह से, यहाँ पे देख लेना है अच्छे से जानकारी को। अब दोस्तों इस तरह से देखने को मिल जाएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी डिग्री होगा, जो भी मार्क्स वगैरह होगा, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके देख लेंगे कि आपका मार्क्स ये जो है पार्ट टू का एडमिशन रसीद किस तरह से दिख रहा है, पार्ट टू का मार्कशीट किस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे व्यू करके देख सकते हैं। आपका फोटो यहाँ पे सिग्नेचर इस तरह से रहेगा, और नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे देखिए एडिट है और प्रोसीड है। ऊपर दिए गए जानकारी अगर आप सही से जांच किए हैं, अगर उसमें कोई गलती नहीं है तो आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर ऊपर दिए गए जानकारी में किसी प्रकार की गलती है तो आप यहाँ पे एडिट वाले बटन पर क्लिक करके उस गलती को सुधार कर सकते हैं।
तो वर्तमान समय में जिसका भर रहे हैं वो इसका 100% करेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आगे की स्टेप यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपका यहाँ पे इमेज, आपका नाम है और कौन से प्रोग्राम है, कितना चार्ज लगेगा और यहाँ पे जो सर्विस चार्ज है वो यहाँ पे टोटली मिला के कितना कटने का वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जिसका हम भर रहे हैं दोस्तों वो SC कैटेगरी से, इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पे नाउ बटन देखने को मिलेगा, पे नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना। क्लिक करते इस तरह से जो है पेमेंट कटने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ से फोन पे, गूगल पे या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिसके माध्यम से आप कटाना चाहते हैं यहाँ से पेमेंट सेलेक्ट करके कटा सकते हैं। तो वर्तमान समय में जो हम पेमेंट कटाने वाले हैं वो डेबिट कार्ड के माध्यम से कटाने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम डेबिट कार्ड वाले बटन यहाँ पे जो है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, यहाँ पे डेबिट कार्ड का डिटेल्स मांगेगा, हम डिटेल्स यहाँ पे भर देते हैं। भरने के बाद दोस्तों इस तरह से देखने को मिलेगा, प्रोसेसिंग चार्ज, GST चार्ज इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको करना कि ये नेक्स्ट जो बटन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर जो है OTP गया होगा, उस OTP को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद कन्फर्म करना है। तो फाइनली हम यहाँ पे देख सकते हैं दर्ज किए हैं, अब सिर्फ कन्फर्म करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे पेमेंट कट के इस तरह से रिसीट आ जाएगा। देख सकते हैं फिर रिसीट फॉर BA Part 3 एडमिशन, यहाँ पे आपका इमेज रहेगा, यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे जो भी डिटेल्स है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे डेट भी देखने को मिलेगा, पर्सन डिटेल्स में भी यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपको दिए होंगे वो देखने को मिलेगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से देखने को मिलेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है अपने कॉलेज में, वो यहाँ पे आपको अच्छे से लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, इसको पढ़ के। अब यहाँ पे देखिए कुछ नोट है इम्पोर्टेंट जो कि आपके लिए बेनिफिट है, ये आप समझ लीजिएगा। और ऊपर हम बात करें दोस्तों इसको प्रिंट आउट करा लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों प्रिंट आउट करने के लिए आप अगर सेव करना चाहते हैं इसको सेव कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए प्रिंट पर क्लिक करेंगे इस तरह से आ जाएगा, आपको यहाँ पे सेव कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। इसको प्रिंट आउट करा के यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो डॉक्यूमेंट लेके आप अपने कॉलेज में जमा कर दें, एक प्रिंट आउट जो है इसका अपने पास रख लें। उम्मीद है यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों। अगर किसी प्रकार का परेशानी होता है, आप रिसीट डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो दोबारा से आप रिसीट यहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपना फॉर्म ID डाल के, ठीक है। कोई परेशानी होता है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ध्यान रहे दोस्तों इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, धन्यवाद।